तो मैं आपको आज जो चीज बताने के लिए जा रहा हूं आपके ग्रह दोष के बारे में, वो क्या है? शिव मंत्रों से ग्रह दोष का शांति। शिव जो है ऐसी संसार की शक्ति है, सब देवों की सरदार है, कि शिव मंत्र से जो है, शिव मंत्र में ऐसा शक्ति है कि सभी ग्रह शांत हो सकता है, आपको शांति मिल सकती है। लेकिन कारण यह है कि पहले अपनी कुंडली में आप जो है किसी पंडित या ज्योतिष से दिखवा ले कि हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें अनिष्ट ग्रह कौन सा है, उसी हिसाब से जो है आप अपना जो है, मैं मंत्र बताऊंगा, वह ग्रह शांति के लिए जो है आप रुद्राक्ष की माला से, अभिमंत्रित माला से आप जो है जाप करें, ठीक है? अच्छा, उसको मैं बता रहा हूं, आप सुने। ओम ईशानाय सूर्य मूर्ते नमः। ओम ईशानाय सूर्य मूर्ते नमः। यह चंद्रमा के शांति के लिए है। आपका अगर राशि में चंद्रमा नीच है तो आप इससे चंद्रमा का जाप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपको बता रहे हम, ओम महादेवाय सोम मूर्तिये नमः। ओम महादेवाय सोम मूर्तिये नमः। यह जो है अगर आपका, आपके राशि में मंगल नीच है या मंगल का दोष है तो आप इससे जाप करके मंगल का शांति कर सकते हैं। अब आइए तीसरा नंबर में, ओम रुद्र मूर्तिये नमः। ओम रुद्र मूर्तिये नमः। ओम रुद्र मूर्तिये नमः। यह अगर आपका राशि में बुध नीच है, यानी चंद्रमा नीच है, बुध नीच है, तो आप इस मंत्र से जो है रोज 108 बार, 108 का माला होता है, एक माला या दो माला या तीन माला आप जाप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी, बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। अब आइए अब आपको हमने बुद्ध का बताया, अब आइए ओम सर्वादीक्षिते, ओम सर्वादीक्षिते मूर्तिये नमः। ओम सर्वादीक्षिते मूर्तिये नमः। यह शुक्र के शांति के लिए है, अब इससे शुक्र को शांति कर सकते हैं। उसके बाद ओम भाव्ये जय मूर्तिये नमः। ओम भाग्य जय मूर्तिये नमः। इससे आप शनि के लिए शांति कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ओम ओमाय उग्राय मूर्तिये नमः। ओम उग्राय मूर्तिये नमः। इससे आप राहु केतु की शांति कर सकते हैं। उसके बाद ओम पशुपतये नमः। इससे आप जो है सभी ग्रह को शांत कर सकते हैं। यह जो है आपके ग्रह शांति के लिए हमने बताया है। अगर आपके ग्रह गोचर खराब है तो सबसे पहले आप जो है वो अपनी कुंडली दिखा लें किसी अच्छे ज्योतिष से, अच्छे पंडित से, क्वालिफाई पंडित से दिखा लें, और आप जो है अपनी घर में जो है शिव का आराधना करें और कलश स्थापना करें, या नहीं तो आप जो है कुश के आसन पर बैठकर और उस माला से आप जाप करें, आपको अवश्य शांति मिलेगी। साथ ही भक्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे पास इतनी समय नहीं है बार बार आपके फोन का जवाब देने का, या 10 बार कोई भी श्रद्धालु भक्त फोन करते हैं, इतनी समय नहीं हमारे पास। सिर्फ हमने संडे को 9:30 बजे से 2 बजे तक समय रखा है। अगर आपको कोई भी बात पूछना है, किसी तरह का बात पूछना है या कोई समाधान लेना है, तो आप संडे को जो है 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक ही फोन करें। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय माँ कामाख्या।